दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये खुशी की घड़ी तो नहीं है, इसीलिए जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने किताब लिखी है, तो हमने कहा कि किताब जिस उद्देश्य से लिखी गई है वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके कॉन्ग्रेचुलेशन के रिक्वेस्ट को पेंडिंग में रखते हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी क्राइसिस खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी हमारे JNU पे हमला कम नहीं हुआ है और बढ़ा दिया गया है। आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे, आपको मालूम होगा कि हमारे बीच का एक छात्र बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया है और वो हमारे बीच नहीं है। और जो दंश मैंने बचपन से अपनी ज़िंदगी में झेला, लगता है कि पता नहीं इसका अंत कब होगा। इन्हीं दिनों मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। मैं चाह रहा था कि ये कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत होती है, और जब मैं यहाँ आने के बारे में सोच रहा था तो मेरी मुलाकात मेरे स्कूल के टीचर से हुई और उन्होंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी में हर चीज़ एक साथ बराबर चलते रहता है, किसी को भी रोक देना दूसरे के साथ न्याय नहीं है, रादर देन कि उसके साथ ही अन्याय है। यह किताब लिखी गई है और इसको आज पब्लिश होना है तो यह आज के डेट में ही पब्लिश होना चाहिए। गांव की भाषा में वो समझा रहे थे, लेकिन जब वो बोल रहे थे उस वक्त ही मुझे ब्रेक्स की याद आ रही थी कि क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, अंधेरे समय के ही गीत गाए जाएंगे। क्या इस कठिन दौर में भी किताब लिखे जाएंगे? हाँ, इस वक्त के बारे में ही लिखे जाएंगे। और आज तो और भी एक स्पेशल दिन है। आज सब लोग जानते हैं कि आज के दिन रूसी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर के महीने में और हमारे कैलेंडर के हिसाब से नवंबर के महीने में रूसी क्रांति हुई थी, उसकी शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो रही है। मैं नहीं जानता कि ये दिन आने वाला कौन सा मुस्तकबिल लिखेगा, क्या इतिहास होगा, लेकिन ये दिन महत्वपूर्ण है और हम सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको महत्वपूर्ण बनाएं। जैसा कि चिक्की जी ने कहा कि यह किताब मेरी किताब नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट से लिखी गई है और एक व्यक्तिगत व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज का सच सामने रखने की कोशिश की गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताब लिखने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें जेल का एक बहुत बड़ा रोल है, और इस बात के बारे में मैंने किताब में नहीं लिखा है लेकिन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे बेल मिला उस दिन हमने दीवार पे एक बात लिखी है, वो सेल में आज भी लिखा हुआ होगा। हमने लिखा, वेलकम टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और नीचे लेनिन का कोट लिख दिया, डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। और मुझे लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने का सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर आप सोशलिज्म चाहते हैं, अगर आप जस्टिस और इक्वलिटी चाहते हैं तो। और ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि जब मैं जेल में था तो बाहर क्या हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सारे लोग उस आंदोलन को जिस शिद्दत और गंभीरता से लड़ रहे थे, उस आंदोलन का मैं पार्ट नहीं था। जब मैं बाहर निकल कर आया तो मुझे महसूस हुआ कि नफ़रत के अलावे वो कितने ऐसे लोग हैं जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में उस मोहब्बत को शामिल करने की कोशिश की गई है। और जब मैं बाहर निकल करके आया था तो कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपने कोई जेल डायरी लिखी है क्या? हमने कहा कि देखिए, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, जेल डायरी तो बड़े बड़े लोग लिखते हैं।
जो शौक से पॉलिटिक्स करते हैं और शौक से जेल जाते हैं। मैं मजबूरी में पॉलिटिक्स करता हूं और मजबूरी में जेल गया हूं, इसलिए मैंने कोई जेल डायरी नहीं लिखी है। हाँ, जेल में डायरी में कुछ लिखा है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इसको शेयर करना चाहते हैं। हमने कहा कि अगर ये समाज के लिए ज़रूरी होगा तो शेयर करेंगे, व्यक्तिगत शौक को समाज पर नहीं थोपना चाहते हैं। फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई, कुछ पब्लिशर आए, तो हमारे दोस्त जो है वो मिलकर के बोले कि इसको लिखना चाहिए। हमने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र है, बायोग्राफी लिख करके पता नहीं गांधी जी कितना सही निर्णय लिए थे, मैं लिखूं कि ना लिखूं। तो उन्होंने कहा कि बायोग्राफी लिखने की ज़रूरत क्या है, मेमोयर लिखो जेल के बारे में। हमने कहा कि जेल उनके लिए जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है जिनके पास 20x20 का कमरा होता है। जेल का जो सेल है उससे छोटा कमरा है मेरे घर का और उसमें 6 लोग रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जेल में अच्छा दिन ही बिता करके आया हूँ, समाज में अच्छा दिन हो ना हो तो इसमें किसको इंटरेस्ट होगा। कुछ दिन पहले मेरे घर में टॉयलेट बना है, मेरी माँ जो है लोटा लेकर के खेत में जाती थी, तो वहाँ तो कम से कम जो है वेस्टर्न स्टाइल का लेटरिन बना हुआ था, मैं क्या लिखूँ इसके बारे में। मैंने कहा मेरे लिए तो जेल जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जेल जाने का कारण, तो मुझे जेल क्यों भेजा गया। तो फिर इस डिस्कशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि तिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के बारे में लिखना, और टाइटल कुछ यूँ बना, बिहार से तिहार, कि अगर मैं बिहार के एक छोटे से परिवार में पैदा ना होता, जो गरीब जरूर था लेकिन मानसिक रूप से गरीब नहीं था, परिवार के एक एक सदस्य के पास अपनी राजनीतिक सोच थी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था और सबको अपनी आज़ादी थी। नाना जी कांग्रेसी टोपी लगा के खुश थे, पिताजी को लगता था कि क्रांति बंदूक से ही आएगी, और बाकी पूरा परिवार को लगता था कि नहीं, डेमोक्रेटिक मीन्स से, पार्लियामेंट्री पाथ से, चुनाव के द्वारा क्रांति आएगी। ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स था मेरे घर का, उसका असर था मेरे ऊपर। और जिस तरीके से मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, इप्टा में शामिल हुआ, AISF का हिस्सा बना, पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता था, AISF में शामिल होने का दो कारण था। वो कैसा संगठन था जिसकी अध्यक्षता नेहरू और जिन्ना दोनों मिलकर के कर रहे थे, जिसके लिए शुभकामना संदेश गांधी और टैगोर लिख रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के IK गुजराल से लेकर के AB बर्धन तक उसके सदस्य थे। ये विरासत मुझे आकर्षित करती थी। और सिनेमा की बात करें तो साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, ये तमाम लोग उसके पार्ट थे। विज्ञान की बात करें तो CV रमन उसके मेंबर थे। मुझे लगा इस लेगेसी को अपहोल्ड करना चाहिए। उस वक्त ये समझ नहीं थी, उस वक्त तो बहुत ही साधारण कारण से ASF का मेंबर बन गया कि लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, वॉशरूम में पानी नहीं आता था, एक भी पंखे की पत्ती सीधी नहीं थी, और 21वीं सदी में लोग हाथी पर चढ़ करके कॉलेज आते थे। ये जो सवाल था, इन सवालों को लेकर के ही AISF संघर्ष करता था, कोई क्रांति और समाजवाद लाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। ये आकर्षित किया। लोग कहते हैं कि राजनीति क्यों करते हैं, राजनीति करते हैं कि वॉशरूम में पानी आना चाहिए, राजनीति करते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, राजनीति करते हैं कि एक लड़की को लड़की होने के चलते कॉलेज में ईव टीजिंग का या फिर सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार नहीं होना पड़ेगा, राजनीति करते हैं कि कास्ट के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राजनीति करते हैं कि क्लास और लैंग्वेज के आधार पर किसी के साथ वायलेंस नहीं होगा, इसलिए राजनीति का हिस्सा बन गया। और राजनीति जब करने लगे तो सोच पर असर पड़ने लगी। एक समय पर जाकर के लगा कि DM हो या फार्मर हो, जरूरी दोनों है समाज के लिए। जैसे गाड़ी के लिए हॉर्न और स्ट्रेनिंग दोनों जरूरी है, जैसे गाड़ी में हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कम जरूरी है, उसी तरीके से समाज में आप तय नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वीपर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि अस्पताल के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोनों की ज़रूरत है। ये जब सोच आई फिर लगा कि DM बनने से अच्छा है कि मास्टर बन जाए, और मास्टर बनने के लिए सबसे अच्छी जगह JNU है। JNU पहुँच गया और वहाँ पर वही लेगेसी, डेमोक्रेटिक, लेफ्ट, लिबरल, रेशनल, लॉजिकल पॉलिटिक्स के चलते ASF का हिस्सा बना, और इस फर्क को समझ पाया राम राम और जय श्री राम का,
जय श्री राम जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं उनके नज़र में लिबरल लोग ज़्यादा चुभते हैं, लेफ्ट लोग ज़्यादा चुभते हैं, प्रोग्रेसिव लोग ज़्यादा चुभते हैं, तो उन्हें उठा करके जेल पहुंचा दिया। जेल से निकल करके आया तो एक बड़ी सी जिम्मेदारी कंधे पर डाल दी गई और ये किताब उसी जिम्मेवारी का एक कदम है, उसका एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस जिम्मेवारी को कितना आगे लेकर जा पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि नफ़रत की तुलना में मोहब्बत भी बेपनाह मिली है। अगर ये सहयोग और मोहब्बत मिलती रही तो ये रास्ता लंबा नहीं है। रूसी क्रांति के 100 साल पूरे होने वाले हैं, हिंदुस्तान की क्रांति का भी इतिहास ज़रूर लिखा जाएगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया।